और यहाँ पे मैंने पहले से ही अरबी के पत्तों को अच्छे से वॉश करके और उन्हें सुखा के रखा हुआ है, और इन्हें रखेंगे साइड में। और अब हम करते हैं बाकी के काम। मसालों में हमें यहाँ पे क्या क्या लेना है। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े वाले चम्मच से 2 स्पून जीरा, और उसी चम्मच से 1/2 टीस्पून साबुत वाला धनिया, और 1 स्पून सौंफ, 2-3 हरी मिर्ची, 2 लौंग और 4 काली मिर्च, 2 से 3 कड़ी पत्ता। और यहाँ पे मैंने इन्हें हल्का सा तवे में रोस्ट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे इनका मसाला बना। और आप क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से सिलबट्टे में पीसकर इनका अच्छे से मसाला बनाएं। और आप स्वादानुसार नमक और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ये लाल वाली मिर्ची ली है, पीसी हुई मिर्ची। और एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बनके तैयार हो गया है। प्रेस में पीसने से क्या है कि जो हमारा मसाला बनेगा, इससे जो हमारे अरबी के पत्ते के जो पतौड़े बनेंगे उनका जो स्वाद होगा वो एकदम हटके होगा। ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लेना है एक जार, इस तरीके से कोई किसी प्रकार से भी आप यहाँ पे एक जार ले लीजिए। और अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है, ये मैंने यहाँ पर लिया है ये 1 बाउल बेसन। आप किस क्वान्टिटी में बना रहे हैं उस तरीके से आप यहाँ पर बेसन को यूज कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करके चारों तरफ इसमें मिक्स कर लें। और हाँ, हींग डालना बिल्कुल मत भूलिए, एक चुटकी हींग ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसमें ऐड करना है जो हमने मसाला बनाया था, मसाले को ऐड करना है इस तरीके से चारों तरफ इसमें, इस तरीके से मसाले को इसमें मिक्स कर लेंगे। स्वादानुसार ही हमें यहाँ पे मसाले को ऐड करना है, जितना हमने यहाँ पे बेसन ले रखा है उस तरीके से हमें मसाले को लेना है, और इसे भी हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी लेके के इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। अरबी के पत्तों को लेना है और उसमें अभी पेस्ट को हमें क्या करना है, इसमें चारों तरफ इस तरीके से लगा लेना है। और बाकी को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, एक इस तरफ से लेना है और इस तरीके से लेकर हमें इसे फोल्ड करते रहना है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमें बाकी को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट तरीका है फोल्ड करने का। और देखिए पानी में हमारा अच्छे से उबाल आ गया और इसमें इस तरीके से जाली वाला ढक्कन लगा। और इस तरीके से इन्हें इसके ऊपर से रख ले जिससे कि अच्छे से बाउल हो जाएंगे। इस तरीके से इन्हें इसके ऊपर से रख लेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद में अब हमें क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से ढक्कन लगा लेना, ढक के रख देना है और 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छे से बाउल हो जाएंगे 4 से 5 मिनट। और अब इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, गैस को कर देना है बंद। और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से कुक होगा। और ठंडा होने के बाद में हमें क्या करना है, इस तरीके से इन्हें कट कर लेना है, इनके पीसेस बना लेना है। आप कितने बड़े में, आप किस साइज़ में पीस बना रहे हैं उस तरीके से। मैं यहाँ पे इनके, ये छोटे वाले हैं तो इनके बस 3-3 पीस ही बना रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए
इस तरीके से मैंने कट कर लेना है, बाकी को भी इसी तरीके से कट कर लेना है, क्योंकि हमें इसे कम से कम ऑयल में फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे चारों तरफ फैला लेंगे, इस तरीके से चारों तरफ फैला लेना। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, और अब हमें इस तरीके से फ्राई करने के लिए आराम आराम से इस तरीके से, जिससे कि तेल की छींटे हम पे भी ना पड़े। हम यहाँ पे कम से कम ऑयल में इन्हें फ्राई कर दें, एकदम हेल्दी और एकदम परफेक्ट। यहाँ पे अरबी के पत्ते के पतोड़े बनके हमारे तैयार हो गए, साइड से अच्छे से कुक हो गए। अब हमें ना इस तरीके से उलट पुलट कर लेना है, ये देखिए इनका कलर देखिए किस तरीके से है। अब हमें इन्हें इस तरीके से उलट पुलट कर लेना है, और एक दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो गए। अब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद, और इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लें। और एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारे अरबी के पत्तों के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये देखने में देखिए जितना लाजवाब लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। आप इस तरीके से चटनी के साथ में इन्हें सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से बस आप इन्हें बिना चटनी के भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होंगे। दोस्तों आपको हमारे आज की ये अरबी के पत्तों की रेसिपी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में आएगी। आज की रेसिपी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ।